children alleged are found to be in conflict with law and the children in need of care and protection. और सिंपली इसमें कुछ नहीं करना है, प्रीएम्बल ही इसमें सिंपली कहता है बाई कैप्टरिंग टू देयर बेसिक नीड्स ऑफ केयर. ये पांच चीजें हमने याद रखेंगे तो ये पूरा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है जो उसका करेक्ट सारा इसमें आ जाता है. बाई कैटरिंग टू देयर बेसिक नीड्स ऑफ केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट एंड सोशल री इंटीग्रेशन. इन पांच चीजों को अगर हम कैटर करें और इसके लिए जो एडजुडिकेशन प्रोसेस है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो चाइल्ड फ्रेंडली होनी चाहिए और वो जो सारा सिस्टम है वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए और वो उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बच्चे की रिहैबिलिटेशन और बच्चे की रिफॉर्मेशन हो. और ये कैसे हो, इसके सारे प्रोसेसेस जो हैं वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिए हैं और जो स्ट्रक्चर्स जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बने हैं उन स्ट्रक्चर्स के थ्रू हो. बस सिंपली अगर हम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को समझना चाहें तो मुझे लगता है कि इतनी सी बात हमें समझने की जरूरत है. और जब हम प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन की बात करते हैं तो बच्चा सपोज करिए आपके पास पुलिस स्टेशन में किसी पेटी ऑफेंस में या सीरियस ऑफेंस में, इन ऑफेंसेस पर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे, या हीनियस ऑफेंस में आता है. हीनियस ऑफेंस में तो FIR लार्ज होगा लेकिन जो पेटी और सीरियस ऑफेंस है उसमें पुलिस को प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन इमीडिएटली अप्लाई करना है कि बच्चा जब आपके कॉन्टेक्ट में आया तो आपको ये इंश्योर करना है कि बच्चे को ये फील ना हो कि भाई ये मैं पुलिस स्टेशन में हूं या यहां कोई लॉकअप भी पुलिस स्टेशन में है. किसी किस्म का डर बच्चे के अंदर पैदा ना हो. और इसके इसी प्रिंसिपल के लिए बहुत सारे पुलिस स्टेशन को चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन भी पूरे हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है. जम्मू कश्मीर में भी हारवन पुलिस स्टेशन और मेरे ख्याल में गांधीनगर पुलिस स्टेशन है. मेरी पिछले दिनों SSP साहब से बात हो रही थी, आई एम थैंकफुल टू हिम फॉर हिज कीन इंटरेस्ट. रजौरी में भी हम रजौरी पुलिस स्टेशन को डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस मिलकर आने वाले टाइम में हम रजौरी पुलिस स्टेशन को भी मॉडल पुलिस स्टेशन विद चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन बनाएंगे और इसमें एक ऐसा कॉर्नर डेवलप करेंगे कि अगर कभी कोई पॉक्सो का विक्टिम आपको पुलिस स्टेशन में लाना पड़ जाए या कोई ऐसा बच्चा जो कंफ्लिक्ट विद लॉ है और इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उसको लाना पड़े तो उसके लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर जो है वो बड़ी जल्दी मेरे ख्याल में मार्च अप्रैल के महीने में वी विल डेवलप इन पुलिस स्टेशन रजौरी. सो डिटेल सेशन हम बाद में करेंगे. मुझे लगता है कि मैं SSP साहब के बीच और आपके बीच ज्यादा देर नहीं रहूंगा. एक पुंछ के हमारे एक शायर हैं, वो कहते हैं कि एक खुशगवार बचपन, एक शानदार बचपन, ढूंढूं कहां मैं तुझको मेरे निसार बचपन, तहसीन जान अपनी कुर्बान उन पे कीजे, लौटा दे कोई फिर से जो एक बार बचपन. सो ऑल ऑफ अस आर हियर टू इंश्योर ए हैप्पी चाइल्डहुड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ रजौरी एंड पुंछ. थैंक यू. लेकिन जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हैज अमेंडेड एंड कंसोलिडेटेड द लॉ रिलेटेड टू बच्चा नहीं होना चाहिए जिस पर चिल्ड्रन इन कंफ्लिक्ट विद लॉ को पुलिस को डील करना है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन. अगर आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बुक में भी देखेंगे इसमें डिफरेंट हमारी वर्कशॉप है, मैडम मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी. मुझे लगता है हम प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन पर हम बात करेंगे. मेरे फादर इंट्रोडक्शन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन जम्मू एंड कश्मीर पर हम डिटेल में बात करेंगे और आपके जो सवाल होंगे उनके भी जवाब देंगे. फिलहाल जब ये ट्रेनिंग की और उमर अब्दुल्ला साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया नहीं था. उसके बाद 2013 में आप लोगों के साथ, क्योंकि मैडम नमीशा ने मुझे कहा कि फुल डे सेशन निमिषा श्रीवास्तव मैम तो और रिसोर्स पर्सन जितने भी हमारे हैं मैं उनका वेलकम करता हूँ रजौरी पुलिस की तरफ से. तो इसके अलावा मैं अपने जितने मेरे साथी हैं PSP साहबान, PSP साहबान और जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के हमारे जो इंचार्ज हमने रखे हैं थानों में, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का दिन है आपके लिए ही. ये लोग काफ़ी दूर दूर से आए हैं, जम्मू से आए हैं, कई दिल्ली से भी आए हैं. तो इस चीज़ का पूरा आप मतलब जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं काइंडली. ये नहीं सोचे कि ये पूछूंगा तो कैसा लगेगा, नहीं पूछूंगा तो कैसा लगेगा. जो आपके सवाल जवाब हैं, क्योंकि इसमें एक बच्चे की
उम्र भर का सवाल है, उसको एक स्टिग्मा लगेगा, उसको वो क्या सोचेगा, उसको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होंगे, तो वो आप हम नहीं समझ सकते क्योंकि वो हम अब बच्चे नहीं रहे हैं। अगर किसी ने वो झेला है तो हो सकता है कि वो समझ पाए कि वो क्या होता है, एक वो साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी पार्टिसिपेट फुली, जो भी आपके सवाल जवाब हैं, ये लोग आए हैं, इनको हमसे ज़्यादा बेहतर पता है, इसीलिए सरकार ने इनको रखा है। आई रिक्वेस्ट कि आप खुले दिल से खुले दिमाग से सुने और उसके बाद सवाल करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राम के हवाले से कितनी इम्पोर्टेंट ये जो ट्रेनिंग है यहाँ पर? देखिए, रजौरी में JJB मौजूद है, CWC मौजूद है, और एक शिफ्ट 2018 में आई थी जो रेगुलर कोर्ट में बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता था। उसके बाद जुनाइल जस्टिस एक्ट के आने के बाद जुनाइल जस्टिस बोर्ड्स और CWCs बने। बच्चे चाहे वो देखभाल की उनको ज़रूरत हो तो उन बच्चों को CWC के पास लिया जाता है, और अगर बच्चे कोई गलती करें, कन्फ्लिक्ट विद ला हो, तो उनको JJB के साथ लिया जाता है। और चूंकि फर्स्ट कंटैक्ट बच्चों का हमेशा पुलिस रहता है, पुलिस को प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्शन के ऊपर और पुलिस का क्या रोल है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, इसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस रजौरी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जिसके हेड ये अब्दुल रहीम साहब हैं, और नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन मिलके हम एक रोज़ा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर पुलिस के रोल को लेकर आज एक ट्रेनिंग कर रहे हैं, जिसमें करीब 50 पुलिस अफसर्स और 10 DCPU के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, अगर कोई हैपनिंग होती है तो उस वक्त क्या जो पुलिस खुद अकेली जाती है कि या फिर जिस तरह से आपने बताया चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी के लोग भी साथ जाते हैं या फिर बाकी जो सब मिलते साथ के जो विभाग हैं वो भी? देखें, जब कोई हैपनिंग होती है, हैपनिंग भी दो टाइप की होगी, या तो कोई ऐसा बच्चा होगा कि जो चाइल्ड लेबर में होगा, अगर उसमें पुलिस अकेले भी जाती है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर पहला बच्चों का कांटेक्ट पुलिस होता है, अगर पुलिस अकेले भी जाती है तो पुलिस को एक चाइल्ड फ्रेंडली वे से, अगर पैटी ऑफेंस है, सीरियस ऑफेंस है, तो उसको पुलिस स्टेशन में अगर लाते भी हैं तो उसको प्लेस ऑफ सेफ्टी में या शेल्टर होम में रखना होता है। उसको लॉकअप में नहीं रख सकते, उसको सिविल ड्रेस में उसके पास जाना होता है, पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं जा सकते प्रेफरेबली। तो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के लोगों को भी पुलिस साथ ले सकती है, लेकिन इसमें कोई बार नहीं, अगर पुलिस को कहीं इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अकेले भी जा सकती है और उसको फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के साथ लिंक किया जा सकता है। सर, रजौरी में शेल्टर होम नहीं है तो जो बच्चे पकड़े जाते हैं क्या करते हैं बच्चे? देखिए, रजौरी में शेल्टर होम नहीं है, हमारी स्टेट में दो ही जगह शेल्टर होम है, एक जम्मू में, एक श्रीनगर में, लेकिन यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास बाल आश्रम्स और नारी निकेतन, उनके नाम आजकल प्रीशा और क्लाश हो गए हैं, तो CWC बच्चों को, अगर लड़कियां हों तो उनको प्रीशा में और अगर लड़के हों तो उनको बाल आश्रम में भेजते हैं, और अगर कोई बच्चा इन कन्फ्लिक्ट विद ला हो तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक प्लेस ऑफ सेफ्टी है, एक क्वार्टर इन्होंने रखा है, तो वहाँ जो सारे सेफ्टी मेजर्स हैं उस बच्चे को अगर कन्फ्लिक्ट विद ला हो तो वहाँ रखते हैं, अगर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन हो तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट उनका ध्यान रखता है। रजी सर, बात करें तो ज़्यादातर हमने देखा कि बाहर से छोटे छोटे बच्चे ले आते हैं, उनके माँ बाप को कहते हैं कि हम पढ़ाएंगे, तो उनका उनको जो है घर में काम में लगा देते हैं, तो ऐसे बच्चों को हमने भी आइडेंटिफाई किया है, तो उनका क्या प्रोसेस होगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा कोई बच्चा आइडेंटिफाई करते हैं तो एक हेल्पलाइन नंबर है 1098, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं रजौरी के अपने साथियों से भी ये बताना चाहूँगा कि आप 1098 पर डायल करें, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट उस बच्चे को रेस्क्यू करेगा, उसको होम में रखेगा और उसका सारा बच्चे की पढ़ाई का खर्चा और उसको रहने का खर्चा सारा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर हैं इनके पास प्रोविजन है ऐसे बच्चों को रिहैबिलिटेट करने के लिए। और देखिए, सभी बच्चों को तो उठाकर एक ही बार डाला भी नहीं जा सकता, तो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को भी इसमें अवेयर होने की ज़रूरत है, और इसमें ना केवल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बल्कि जो चाइल्ड लेबर प्रोबेशन एक्ट 1986 है, उस एक्ट के तहत भी जो चाइल्ड लेबर है वो दैट इज़ ए क्राइम। सर, जैसे सरकार ने पास्को एक पास किया था कानून, तो छोटे बच्चों के लिए खासकर रजौरी पुलिस स्टेशन में क्या किया? देखिए, अभी SSP साहब से आप बात कर रहे थे, पॉक्सो कानून के तहत अगर कोई विक्टम आता है तो उस विक्टम को भी पुलिस को
CWC के सामने प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि जो पॉक्सो का विक्टिम है वो कहीं ना कहीं चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन भी है, तो उसको CWC जो है उसको, और ऐसे माजी में पॉक्सो के ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें बच्चों या बच्चे अगर पुलिस स्टेशन में आए तो पुलिस स्टेशन से उन बच्चों को शेल्टर होम में, अगर जहां शेल्टर होम नहीं है, पहले नारी निकेतन था अब परीक्षा है, वहां रखते हैं। लेकिन इमीडिएटली रिसेप्शन के लिए अगर चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन जैसा SSP साहब ने कहा वो बनेगा तो दैट विल बी ए वेलकम स्टेप। माइनर बच्चों को क्या पुलिस अरेस्ट कर सकती है? देखिए, पुलिस किसी भी बच्चे को 18 साल की उम्र के नीचे को अरेस्ट नहीं कर सकती। तो अरेस्ट वर्ड जो है ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एप्रीहेंशन वर्ड से रिप्लेस कर दिया गया है। अरेस्ट वर्ड जो है वो बच्चों के लिए इस्तेमाल करना भी कानूनी जुर्म है, ठीक है। और सेक्शन 74 के 75 जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, उसके तहत बच्चा जिसकी भी कस्टडी में है, चाहे वो पुलिस के कस्टडी में है, तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस बच्चे के साथ पूरा दोस्ताना व्यवहार जो है वो रहे। तो अरेस्ट पुलिस बच्चे को नहीं कर सकती। एक्ट के लिए हमने एक वर्कशॉप रखी है अपने IOs के लिए, थानेदार्स के लिए, SDPOs के लिए, ताकि उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो जो चेंजेज आए हैं उनसे आगाह किया जा सके और वो चाइल्ड प्रोटेक्शन में जो उनकी ड्यूटीज़ हैं उसको फुली निभा पाए। सर, खास क्या बताया गया कि रजौरी पुलिस स्टेशन को बच्चों के लिए खास क्या बताया? हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जैसे प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस है वुमेंस पे और चाइल्ड वेलफेयर पे, तो उसी हिसाब से एक हम मॉडल पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं, पुलिस स्टेशन रजौरी को, बच्चों के हिसाब से। तो क्या मैसेज देंगे सर यूथ को? मैं यूथ को यही मैसेज दूंगा कि ड्रग्स से दूर रहें, खेलें कूदें। अगर कोई आपको ऐसा लगता है कोई आदमी ड्रग्स बेचता है आपके माध्यम से, मैं ये सबको बोलना चाहूँगा, अगर कोई ऐसा आदमी है जो इन्वॉल्व है, जो ड्रग्स बेचता है या ड्रग्स लेता है, उसकी अगर हम ड्रग्स बेचने वाले को हम पकड़ेंगे, जो अगर कोई उसका विक्टिम है, तो हम उसको रिहेबिलिटेट में ले जाने की पूरी कोशिश करें। सर, पेरेंट्स को क्या मैसेज रहेगा आज के इस? पेरेंट्स के लिए वही मैसेज है कि अपने बच्चों पर ध्यान दें। आज का यूथ है, कल आज आने वाला कल है ये आपका, तो ये आपके बुढ़ापे का सहारा है, तो उसको ड्रग्स से दूर रखें और उनको किसी न किसी स्पोर्ट्स में डालें और उनके ऊपर पूरा ध्यान। तो जिस तरह से छोटी उम्र में बच्चे गलती कर देते हैं तो उसको जो पुनिशमेंट मिलती है उस हिसाब से मिलेगी कि ताकि अपना फ्यूचर भी ठीक कर सके? जी जी, बिल्कुल, उसके लिए ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसके तहत ही उसको जो सज़ा दी जाएगी, जब नहीं दी जाएगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा, उसमें हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें जुवेनाइल एक्ट में पूरी पूरी प्रावधान है, तो उसमें हिसाब से ही चला जाएगा। थैंक यू।